दैट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आज हम आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो है हमारा वार्षिक ऑडिट, एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिटिंग को आज हम पढ़ेंगे, इसके लाभ को पढ़ेंगे, इसके हानि को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को डे बाई डे केवल मोस्ट मोस्ट टॉपिक्स की वीडियो बन रही है, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहें जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वार्षिक अंकेक्षण यानी एनुअल ऑडिटिंग। एनुअल ऑडिट क्या होता है? ऐसा अंकेक्षण जो कि वर्ष अगर पूरे लेखाकरण का काम समाप्त होने के बाद अंकेक्षण स्टार्ट होता है। सीधी सी बात है, जब जैसे हम आपको कल पढ़ा रहे थे चालू अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण अगर हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था कि जो लगातार साल भर किसी विशेष अंतराल पर काम चल रहा है। अब वो तो हो गया चालू अंकेक्षण, ये क्या है? वर्ष का पूरे एक साल में एक ही भार अंकेक्षण होता है। मतलब हमारे यहाँ काम होगा जनवरी से तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। सीधी सी बात है कि जब हमारे जनवरी से पूरा काम स्टार्ट हुआ, दिसंबर को काम समाप्त हुआ और दिसंबर को अब हमारा लेखाकरण का जो काम है वो समाप्त हो गया, क्योंकि हमारी पूरी एक साल पूरी हो गई है ना। अब लेखाकरण का जैसे ही काम समाप्त हुआ और हम अंकेक्षण का काम स्टार्ट कर दें, और यहाँ हम अपने खातों का क्या करवा लें, ऑडिटिंग। यहाँ हम अपने खातों का करवा लेते हैं ऑडिटिंग। तो ये ऑडिटिंग जो पूरे वर्ष भर में पूरे साल भर में एक बार ही होती है, जब हमारा लेखाकरण का काम समाप्त हो जाता है तो अंकेक्षण का काम स्टार्ट होता है। एक वर्ष में एक ही बार अंकेक्षण होता है, इस अंकेक्षण को हम एनुअल ऑडिटिंग कहते हैं, जो साल में एक बार किया जाता है। इसके लाभ कौन कौन से हैं? वार्षिक अंकेक्षण के लाभ सबसे पहले मृत्युव्यय होते हैं। मृत्युव्यय कैसे होते हैं? जब एक बार पूरे साल निकल जाने के बाद जब एक बार अंकेक्षण हुआ तो ऑब्वियस बात है कि वो सभी लोगों से मृत्युव्यय रहेंगे। अंकेक्षण पीछे चलाने हुआ, कर्मचारियों का काम नहीं मिलेगा तो कर्मचारी भी खुश होंगे, तो ये अंकेक्षण मृत्युव्यय होता है। दूसरा है समय की बचत। बार बार जब अंकेक्षण होता है तो बहुत सारा समय लग जाता है, जैसे हम पूरे साल भर में बार बार अंकेक्षण करा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो समय होता है उसकी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या फिर 3 महीने का हो गया,
लेके होते हैं उनकी गहराई से जांच हो जाती है, और जब बस में एक ही बार आगे चढ़ होता है तो वो गहराई से जांच नहीं हो पाती है, इसलिए गहन जांच में हमेशा कमी रहती है। फिर नेक्स्ट है हमारा गलतियों को पता अंतिम घड़ी पर चलना। अब जैसे साल भर हमारी गलतियां हो रही, अब चार दिन पीछा होता था तो यहाँ से चार दिन पीछा स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जब पीछा हो गया गलती कितनी थी पता चल गया, सुधार ली। फिर यहाँ हो गया फिर जितनी गलती थी सुधार ली, लेकिन यहाँ तो पूरा वर्ग चलेगा ना, उसके बाद ही हमारा पीछा हुआ, तो जो गलती होती है उनका पता केवल अंतिम घड़ी पर चलता है, जिस समय हम आगे चढ़ के लोग बोल देते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन में बोल सीधी सी बात है कि बस के समाप्त होने पर अंतिम घड़ी स्टार्ट होता है, इसलिए प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए हम नियुक्त हो जाते हैं। यंत्रबद्ध रूप में काल, फिर इसको यंत्रबद्ध रूप में काम करना होता है, जैसे हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, कंप्यूटर यूज कर लेते हैं, तो वो हो जाता है। फिर है हमारा समय पर सलाह का आगा। अब जैसे बस के अंत में अंकेक्षण हो रहा है, तो जैसे यहाँ हाफ अमाउंट में कुछ गलती हुई, यहाँ सलाह की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन काम यहाँ तक चल रहा है, यहाँ से गलती हुई उनके बाद भी चल रहा है, फिर लास्ट में अंकेक्षण हो रहा है, मतलब यहाँ सलाह चाहिए थी लेकिन सलाह का क्या हो गया, अभाव हो गया, नहीं मिली। तो ये क्या है हमारी खानियां, एक बार और देख लेते हैं। गहन अंकेक्षण की कमी, गलतियों को अंतिम घड़ी का पता लगना, वार्षिक प्रतिवेदन में लेट हो जाता है, रिपोर्ट में लेट होता है, यंत्रबद्ध रूप में कार्य होता है, समय पर सलाह का आगाह हो जाता है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही है, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग नोट कर लीजिए।